ये सारे मेरे व्लॉग में आने को बैठ रहे हैं एक जगह ताकि ये मेरे व्लॉग में आ सके। उन्होंने बोला हमें भी व्लॉग में लो, तो मैंने सबको बोला एक जगह बैठ जाओ और फिर मैं इनको व्लॉग में ले रहा हूँ। गाइज बहुत जिद कर रहे थे कब। गाइज देखिए आलिया भट्ट आई है, सब उनकी फोटो ले रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब। और देखिए सारे एक दूसरे के पास फोटो खींच रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी जगह तो ऑब्वियसली सब खींचेंगे ही। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू, आप गाइज बहुत ही अच्छा यहाँ पर तपस्या करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही खतरनाक व्यू है, फोटो ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया। यहाँ लोग तपस्या करते हैं ना, तपस्या घंटा करते हैं। हम कुछ बोलो। नहीं सर, मैं तो कुछ बोलना चाहता हूँ, कैमरे को पर। देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और मतलब गाइस हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? ये जन्नत लग रहा ना? जन्नत सर, बहुत सुहाना जन्नत लग रही है। और हाँ जी, हाँ जी सर, कैसा लग रहा है बताओ? बस बढ़िया, अच्छा है ना व्यू? अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया है जी। क्या करें, और उसे भी इंटरव्यू लेते हैं। कैसी है फोटोग्राफी हो रही है? और सर कुछ बोलो इस जगह के बारे में। सर साइड थोड़ी, सर इंटरव्यू, सर कुछ बोलो। बेस्ट प्लेस, नाइस प्लेस, जन्नत जन्नत। हर और बस बस होगा होगा होगा। मेरी आप बोलो सर, कुछ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जन्नत है ना सर? जन्नत है पूरी। सर कैसा लग रहा है बताओ ना? बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय लग रही है। कुछ तपस्या करते हैं ना इधर लोग? यहाँ लोग दलाई लामा के। हाँ जी दलाई लामा जी लोग तपस्या करते हैं। हाँ जी हाँ जी, हमारे तो कहाँ करो, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। एक हमने अभी अभी आधा घंटा कोई 15 मिनट तपस्या की। हाँ जी, ओम का उच्चारण किया, वो भी एक तपस्या आई थोड़ी सकती। चल चल चल, चलो चलते हैं गाइस, अब चलते हैं गाइस और मिलते हैं किसी से भी नहीं, बाय चलते। मैं पिछले दिन इन्हीं की पीठ में उतरा था। सर बताओ कैसा लगा था मेरे को चक्के? बहुत गंदा, बहुत गंदा, दूरियां कोई। अंकल जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बैठ के? लग रहा है। और अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, और कल रात को आपको बता दें क्या बना था। कल बना था जी मटर पनीर, और दाल का मेरे को याद नहीं, मैंने पनीर खाया जी। चावल हमने व्लॉग बना के फिर एडिट कर दिया था, इसलिए मटर पनीर कैद नहीं कर पाए है ना। हम डिस्कशन कर रहे थे इनकी मम्मी के साथ। हेलो करो। हेलो हेलो हेलो, पनीर अच्छा था ना कल यार? हाँ हाँ जी सर। 3, 9, 3, 12। सर कैसे हो? सर कैसे हो आप? आप शिफ्ट हो रहे? थैंक यू सर सो मच, जल्दी जल्दी आओ, आपका वेट है। तू भी शिफ्ट हो रहा है यहाँ से? मैं नहीं जाऊँगा सर यहाँ से, ऑलरेडी हमने देख सकते हैं आज बना है। क्या बना है आज? पनीर पूरी। कैसा लग रहा है आपको? खाऊंगा। आपको कैसा लग रहा है? टेस्टी है? टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ना यार। क्या यार मजा आ गया, मैं भी लेके आता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हम तीनों ने अपना रूम चेंज कर दिया है। कहाँ है? हाँ आप भी हो तो बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा अभी लगेगा पता, अभी भी रात को पता लगेगा ना जी। रात को पता लगेगा। चलो हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और मतलब अच्छा रूम है, देख सकते हैं आप गाइस, बहुत अच्छा रूम है, बाथरूम है उससे बड़ा भी है, और खेड़ी बंदे भी है इधर, मतलब अच्छे बंदे हैं, मजे आएंगे देखते हैं। हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं यहाँ। इसकी चौड़ाई थोड़ा कम करो उसकी। आराम से बना, पीछे जाओ, पीछे देखना था सबको। स्ट्रेचर बन रहा है हमारे सारे साथी लोग। सारा दिन यही काम करना है। बाबा की जय। देखिए यहाँ पर बताएंगे बेबी कैरी मेथड, अगर किसी को चोट लग जाए तो बेबी कैरी मेथड से कैसे उठाएं। चलिए उठाइए, देखिए ऐसे और ऐसे, और कैजुअलिटी ऐसे मर जाएगी ऐसे, और अगर किसी को चोट लगी हो तो ऐसे, और बेबी कैरी मेथड से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। मैं कितना भारी हूँ सर? बहुत हल्के, बहुत हल्का हूँ ना। तो गाइस देखिए बेबी कैरी मेथड, अगर किसी को चोट लगी हो तो ऐसा करें। थैंक यू गाइस। एक्टिंग करो, कैजुअलिटी की एक्टिंग करो, नाचना नहीं, बरात थोड़ी सारी। हाँ चलो भाई, देखिए गाइस अगर किसी को चोट लगी हो तो दो बैग चक्के हैं। गाइस देखिए यहाँ पर हमने तैयार कर दिया है ईशा जी के लिए, हमारी कैजुअलिटी है इतनी सुंदर, और लेटी है तो चुभेगा ही मैम। कैसे लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखो हमारी ईशा जी यहाँ पर कैजुअलिटी बनी हुई है, और हम इन्हें बांध रहे हैं ताकि हम इन्हें ले जा सके पर बर्फ के पहाड़ों में।
बांध दी गई है यहाँ पर हमारे ईशा जी, और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हमारी ईशा जी, ये हमारी कैजुअल्टी है, और यहाँ पर एक हाइट छोटी है यहाँ पे। अरे हमारी ईशा जी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से खत्म नहीं, मतलब कैजुअल्टी, बहुत बुरी चोटें लगी हैं यहाँ पर, और हम इन्हें ले जा रहे हैं हॉस्पिटल जड़ी बूटियों के पास। देखिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम कैजुअल्टी को लेके जा रहे हैं। ये कैजुअल्टी है लेटी हुई, और कैजुअल्टी हेलो बोलो उठ के। अरे हम कैजुअल्टी कैरिंग ट्रेनिंग है हमारी, हमने खुद स्ट्रेचर बनाया है और हम कैजुअल्टी को कैरी कर रहे हैं इसमें। बहुत ही, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं हम फिर, और बहुत ही ईशा जी बोलते रहो कुछ, राम राम बोलो, राम राम राम। चलो भैया बस हम जा रही है, अब हम कुछ नहीं इनको खोलेंगे। ये हमारे मिस्त्री जी, आपको भी अपने घर में टाइलें लगानी हो तो फोन टेढ़ा करें पहले, टाइलें लगानी हो बाथरूम बुथरूम में तो कॉन्टैक्ट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बारिश काका सी हो सर, 2-500 रुपये दिहाड़ी। मैडम ना रोटी खुआ रही है सर, 500 रुपये दिहाड़ी। यार ऐसी एक्टिंग मत कर, यहाँ पर हमारे साथी लोग कैसे लग रहे थे, रो आ रहा, हंसने लगे थे, बराबर चको बंदे को ऊपर नीचे क्यों किया, रन ठीक से, ओए ओए रन रन मेरा नीन भाई बस रे, मेरे को चंडा अंडे मार, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आपके हवा लगेगी तो लोग तो यहां पे ये दो अभी नहीं दिखेगी, अगर बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाँ अब जोर लगाओ, हाँ अब ठीक है, ग्रीन रन चाहिए दोनों। अरे 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से फायर, आग बुझाने की वो सीखने, प्रैक्टिस करने, ट्रेनिंग सीखने है ना सर, फायर फाइटिंग यस, ओके थैंक यू सो मच। इसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसे, याक, याक हमारे याक जी, पूछा क्या, और मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं, महंगे भी। गाइस देखिए कितना सुंदर पार्क है, हाय कि हम यहाँ पर उतर रहे हैं, पूरा जंगल है और आगे आग की तरफ जा रहे हैं, और मैं पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ, मतलब आखिरी तक आखिरी में चला हुआ हूँ ताकि कोई रह ना जाए, तो सब कुछ कही है। हाँ जी और हाँ जी ये सुरंग देख लीजिए, सीधा धर्मशाला निकलती है, अंग्रेजों ने बनाई थी अपने टाइम में, तो सर कुछ बोलिए, अब आइए रुकिए कुछ बोलिए, आइए कैसा लग रहा है आपको ट्रैकिंग करते हुए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, रास्ते बड़े खतरनाक है गाइस देखिए पूरा, और हम जा रहे हैं फायर की ट्रेनिंग लेने, चारों तरफ मन कर रहा है सर, आप बताओ कम से कम कैसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, माउंट ट्रेनिंग के लिए ऐसा ही रास्ता होना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं अभी बताओ कुछ, अभी ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। हाँ जी रास्ते कैसे भी हो सकते हैं, कैजुअलिटी इतनी ऊपर माइक्रोगन में हो सकती है, तो हमने
कैसे कैजुअलिटी को धर्मशाला में पहुंचाना। अच्छा, और मतलब ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। हाँ जी, और आग से बुझाने के तरीके बताएंगे। आग तो भी लगी कहाँ है, आग का तो मौसम ही नहीं चल रहा है। सीखेंगे तो है ना। हाँ, वहीं पर आपको बताया जाएगा। जी हाँ, जंगल की आग, दिल की। देखिए, जंगल की आग बुझाई जा सकती है, पर जो मन में लगी आग है ना, दिल की आग, वो नहीं बुझा सकते। ड्यू, हाँ जी, उसके लिए ड्यू चाहिए, स्प्राइट चाहिए, प्योर सोजो। गाइस, मैं सबसे लास्ट में, देखिए गाइस, बाय। वाह यार, कितनी मस्त जगह है, ये देखिए। गाइस, हम मैक्लोडगंज से सीधे जा रहे हैं 1-2-3 किलोमीटर शॉर्टकट रास्ते से धर्मशाला की ओर, वो भी पूरे जंगल की तरफ से। सड़क से नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जंगल की तरफ से जा रहे हैं, और बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। चलते चलते क्यों बैठ गए, सारे आगे निकल गए, आप क्यों बैठे हो, बताइए कुछ अपनी शक्ति का राज बताओ। हम आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमा रहे हैं, हम ज्यादा थक चुके हैं। आपकी मतलब शिलाजीत खाते हो आप? बिल्कुल, खाना चाहिए इस उम्र में। शिलाजीत खाना हम चला जा रहा है, मैं आपको कंधे पे ले जाऊंगा। हाँ जी, चलो कंधे पे ले जाएंगे। उसकी कमी है शिलाजीत की, जो मिल जाए तो अभी जाएगा। आपकी वजह से सारे रुके हुए, देखो सर, सारे सर कुछ करो, इनको मोटिवेट करो, आप लीडर हो। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए आइए। ओह माय गॉड, कितना मस्त रास्ता है गाइस। हाँ जी गाइस, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए क्यों रुक गए आप? इसका शू लग रहा है इसको, बताओ तो सही। रुक रहे हैं आप, कुछ अच्छा बोलिए। पक्का? हाँ जी। लेस खुल गया था आपका? लेसिस। लेसिस, अच्छा ठीक है। और आप भी? नहीं, हम तो इसके लिए रुके हुए। अच्छा, आप तो सुसु कर रहे थे, मैंने देखा भी। मैं वेट कर रहा था भाई, वीडियो नहीं बनाई, पर सुसु कर रहे थे आप। चलो देख लिया जंगल में। और गाइस आगे हेलीकॉप्टर आएगा, पंकज का हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, गाड़ी में आएंगे हम। कितनी मस्त जंगल है सच्ची। गाइस, मैं इन सीनियर लोगों के साथ यहीं फंस चुका हूँ, क्योंकि मुझे इनका ख्याल रखना है। सर, आप अगर कोई टीचर बोलेगा तो क्या बोलेगा वो हमको? कैजुअलिटी होगी थी, मेरा नाम लोगे। गाइस देख सकते हैं। और आप बताओ कुछ, आप इतने महान, फिटनेस आपकी देखिए कितनी ज्यादा है, 6 फुट। यहाँ क्या देखे? कुछ नहीं है सर। यार मेरी वीडियो बोलो सर, कुछ तो बोलो। क्या बोलो, कितना का नोट रखा हुआ है? 200। अरे बताओ ना, कैसे लग रहा है मतलब माहौल? बहुत बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया। दर्द दर्द आ रही है, दर्द दर्द आ रही है। आप फ्रेश हो सर? मैं कभी थकता नहीं। थकते नहीं सर? मन का इनसे पूछिए जो आप हर कुछ करना चाहते हैं सर, क्या फीलिंग है बताओ? गोभी के फूल के इच्छुक। गोभी के फूल के इच्छुक। चलिए चलिए, वो देखिए धर्मशाला के रास्ते में आ गए, ट्रेन ने भी है, पर बहुत अच्छी सड़क है। हाँ, मटर टिम्बल ट्रेन है। हाँ जी, चलो क्या टिम्बल ट्रेन? टिम्बल ट्रेन तो हमारे नीचे है, तो ये टिम्बल ट्रेन ही है। टिम्बल ट्रेन ही बोलते हैं। हाँ, एक और आई, बहुत लंबी है ये तो, देखो पर ये सारे वहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ यहाँ भी बैठे हुए हैं, और कुछ पहुँच चुके हैं। और मैम कुछ कहिए, कुछ कहिए, यहाँ हमारे को ट्रेनिंग दी जाएगी, बोलो कुछ बहना मोरी, बोलो ना। अच्छी ट्रेनिंग है, फायर की ट्रेनिंग है, ये भी आग कैसे बुझाते हैं, लोगों को कैसे बचाए। मैंने पहले ही बोला जंगल की आग आग बुझाई जा सकती है, पर दिल में लगी आग नहीं बुझती है ना। ये देखिए कोको, कम है, ये हमारी कोको है, हमेशा हमारे साथ ही रहती है, और मतलब बहुत अच्छी जगह है, सभी बैठे हुए हैं। और बाय गाइस, हमारी टीचर्स आ चुके हैं गाड़ी लेके, ये हमें सिखाएंगे। देखिए हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, अब यहाँ से गन चलेगी। नो नो सर, चला दो, यही है, यही है। वाओ, आस्ते है सर ये तो, इसे कैसे आग बुझेगी आस्ते? अरे अब है ना, कितना लंबा से इतनी लंबी धार। इतना लंबा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जितना प्रेशर बनेगा ना गाड़ी में, जितना प्रेशर बनेगा एयर जाएगी जितना में, उतना ही प्रेशर बनेगा। इतनी लंबी धार, कितनी लंबी धार मारते ना अंकल। नीचे से अभी बस में ही आए, देख सकते हैं, और बहुत भीड़ है इधर।
और देखिए हमारे ये उतरेंगे खड़े हुए हैं और हमारे टांग देखिए हमारे सर यहाँ पर खड़े हुए हैं। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं और बस स्टैंड तक मैक्लोडगंज में हम बस में आए और अभी हम जा रहे हैं पैदल। जी हाँ गाइस नीचे भी रास्ता है ऊपर भी रास्ता है और कुछ बोलो। ये वही चढ़ाई है जो उस दिन व्लॉग में मैंने बोला था कि हम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं ये वही है। हस्ता दीदी जी सुनती हो जी सुन रही हूँ। बोलो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती मेरे को प्यास लग रही है मुझको पानी पीना है। प्यास लग रही है तो वहाँ नहीं पिया था हमने घर में पानी पिया था किसी मैं। और गाइज बहुत मजा आ रहा है अभी हम फिर ऊपर जाएंगे पैसे लेके फिर नीचे आएंगे मार्केट में पैसे बहुत है कमी कोई सकते हैं मैं और मेरी कुछ बहने और गाइस आप जान के बहुत ही और हम जा रहे हैं नीचे गाइस आप जान के हैरान होंगे कि हम फिर से उसी रास्ते पे जहाँ पे खड़ी चढ़ाई आती है। हाँ हम अब नीचे को जा रहे हैं पैसे पूछे लेके आए थोड़े क्या लेना तुमने ऐसा कुछ पता नहीं क्रीम मोमोज मामोज क्रीम क्रूम हाथ फट रहे मेरे बस वो मेरे लिए सिर्फ क्रीम लेने जा रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ फट रहे हैं बोरोलिन लेंगे। गाइस बहुत अच्छी जन्नत है जन्नत बाय देख सकते हैं हमारे सारे टीचर्स मिल चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे दो इंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ चले हुए हैं बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे प्रधान जी हमारे प्रधान जी सर कुछ बोलिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे इस देश के लिए पंचायत के लिए देश के लिए प्रधानमंत्री को अच्छा पंचायत के लिए क्या करेंगे आप करेंगे सर कुछ जो कोई इसका नालियां नुलियां बनाएंगे क्या बनाएंगे नालियां नुलियां बनाएंगे नालियां नहीं बनती सर हमारे हमारे बनते रोड। गाइस देखिए हमारे हमारे लोग भी आ चुके हैं और चीजें ले लेके आए हैं चलो इनके साथ चलते हैं चलो आ जाओ गाइस अब हम घूम रहे हैं टीचर के साथ ही। गाइस बहुत ही अच्छा है लो 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 स्माइल बहुत ही मुश्किल सफर होने वाला है इसलिए जूते ले रहे हैं अच्छे से जूते ले रहे हैं सारे ही ले रहे हैं और सारा गवर्नमेंट का खर्चा है गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ है अपना ही है अपना खर्चा है। अरे बोलने में क्या जाता अंदर क्रेन है यहाँ से बहुत नीचे जाती है मतलब बहुत ही अच्छा मार्केट यहाँ पर जन्नत देखिए देख सकते इस बंदे को कितना क्रेज है ट्रेनिंग किसके सर के ऊपर सवार हो गई है पंकज बस कर इतना क्या करेगा लोग देख रहे हैं पीछे और देखिए लोग उसको देखते जा रहे हैं ये क्या कर रहा है आप देख सकते हैं बस पंकज और कितना करना चाहेगा तुम ये ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का ऑफिस है पर ही शौचालय है बहुत ही अच्छा ऊपर देखिए ऊपर रुकिए वो देखिए जन्नत चलो उनसे क्या तेरा कसोनिया दुनिया तसने जय हो बाबा जी जय हो बुद्धा जी जय हो शक्तियाँ दे हे भगवान जय हो। मंदिर में आए हुए हैं और आप बोलिए कैसा टेंपल है बुद्धा जी का ये अभी जा रहे हैं हम उधर को अच्छा जा रहे हैं वाह मतलब बहुत अच्छा जी की जय हो बोलो जय हो जय हो नहीं बोलते कुछ नहीं बोलते इधर चुप देखिए हमारा रूम और यहाँ पर ये देखिए सीनियर साहब और बहुत कमरे में फोन नहीं करना था नहीं ना पता क्या एक काम नहीं था बता रेस्ट करना टाइम है हमारा जाओ हो गया बाय जाए यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं बहुत ही अच्छा माहौल है सभी ठीक है और अच्छे मजे आ रहे हैं और हमारा रूम बस अच्छा है।